नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लाइफ चेंज देसी नुस्खे में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम रोजाना आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खों के बारे में जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों, घरेलू नुस्खों के बारे में नित नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे हर उपयोगी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, आज पूरे विश्व में ऐसी महिलाओं की संख्या लाखों में हो सकती है जो हीमोग्लोबिन की कमी और एनीमिया की समस्या से जूझ रही हैं। भोजन में पोषक पदार्थों की कमी के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है। अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया जाए तो थकान, कमजोरी, चक्कर आना तथा सीने में दर्द रहने जैसी समस्याएं हो सकती है। अगर खाने पीने के मामले में थोड़ी सी सावधानी बरती जाए और कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाए तो बड़ी आसानी के साथ खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। कुदरत ने हमें कई ऐसी चीज़ें दी है जिनको कुछ दिन बराबर सेवन मात्र से ही शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है। पालक भी उन्हीं चीज़ों में से एक है। पालक की सब्जी या जूस, इसे किसी भी रूप में खाने से शरीर में कमजोरी तथा खून की कमी दूर होती है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इस बात को मानते हैं कि पालक का सेवन करके तेजी के साथ खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। रोजाना एक गिलास पालक के जूस में एक चम्मच शहद मिलाकर पीने से खून की कमी काफ़ी तेजी के साथ दूर होती है। पालक में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड भारी मात्रा में पाया जाता है। इस जूस के सेवन से शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ती है तथा एनीमिया की शिकायत दूर होती है। पुराने जमाने में अधिकतर घरों में भोजन पकाने के लिए लोहे की कड़ाही या बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके कारण उनके शरीर में आयरन की मात्रा में कमी नहीं आती थी। अगर रोजाना लोहे की कड़ाही या बर्तनों में भोजन बनाकर खाया जाए तो कुछ दिनों में ही शरीर में खून की कमी को दूर किया जा सकता है। चुकंदर को खून की कमी दूर करने वाला सबसे अच्छा आहार माना जाता है। रोजाना चुकंदर का जूस पीकर तेजी के साथ खून की कमी को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा हर व्यक्ति को समय समय पर खून को साफ करने वाले कुछ नुस्खों का उपयोग भी करना चाहिए। इसके लिए अदरक के रस में काली मिर्च और नींबू का रस मिलाकर पीना चाहिए। रोजाना सिर्फ एक आंवले का सेवन करने से भी ब्लड प्यूरीफाई होता है। अपनी रोजाना की डाइट में लहसुन को शामिल करने से भी खून साफ होता है और एनीमिया से भी बचाव होता है। इन छोटे छोटे नुस्खों और नियमों का पालन करके आसानी के साथ ब्लड प्यूरीफाई किया जा सकता है और साथ ही साथ शरीर में खून की कमी को भी दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का लाइफ चेंज देसी नुस्खा। आशा है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।